अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं पामफल के बागान के बीचों बीच पानी का नहर है, ये पुल बना हुआ है। जैसे पानी ज़्यादा बारिश होने के वक्त ये ज़्यादा फुल हो जाता है, उसके बाद देखिए ब्रिज के ऊपर से भी जाता है। ये देखिए ब्रिज के ऊपर से भी पानी जाता है, और ये देखिए ट्रैक्टर में माल लोडिंग ऐसे करके लेके आता है। अभी वो खाली करेगा। आपको मेरा पहला वीडियो में देखने के लिए मिला था कैसे ट्रक में माल लोडिंग होता है, और ये ऊपर जस्ट ऊपर उसको ले जाके खाली करेगा ट्रैक्टर में माल। और हम लोग बागान के तरफ जा रहे हैं थोड़ा, और आप देख सकते हैं नहर है। आप पहाड़ी इलाके में अगर रहिएगा तो आपका बागान के चारों तरफ आपको नहर मिलेगा पानी का। वैसे पानी है हम लोग के यहाँ पहाड़ी इलाका है भाई, आपको पहाड़ का पानी ही मिलेगा इधर। और अच्छा भी बगीचा है, देखिए कितना साफ़ सुथरा बगीचा है, और फल का पेड़ सब भी बहुत उतना ज़्यादा हाइट का नहीं है। आप अगर मलेशिया आना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा होगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा जगह है, हम लोग जहाँ रहते हैं बहुत अच्छा जगह है भाई। अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं तो देखिए मेरा वीडियो को देखते रहिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक कर दीजिएगा। देखिए कैसा बागान है, आपको हम डेली आपको नया नया वीडियो डालेंगे, और जैसे काम करते हैं कैसे क्या है बगीचा। आप आना चाहते हैं इंडिया से, कहीं से भी आना चाहते हैं, कोई सा भी कंट्री से आना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को देखिए, आपको दिखाएंगे बगीचा कैसा होता है। पाम प्लांटेशन का काम इसी प्रकार आपको हर जगह ही मिलेगा ऐसा ही बागान, लेकिन हम लोग का यहाँ पर पहाड़ है ना भाई, तो थोड़ा मतलब ऊंचा नीचा दिख रहा है पहाड़, लेकिन साफ सुथरा जगह है, ऐसा नहीं है जंगल है या कुछ है। आप बीचों बीच जाइएगा तो भी देखिए पूरा साफ दिखेगा आपको, पूरा साफ जगह है, साफ जगह है। ये देखिए ये पानी का नहर जा रहा है भाई, ये पहाड़ से पानी आता है ऊपर से, देखिए अब हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको साइन बोर्ड दिखा रहे हैं। और साइन बोर्ड दिखाएंगे आपको हम लोग पहाड़ के इधर, ये देखिए अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। ये देखिए साइन बोर्ड में लिखा हुआ है क्राउन, और ये देखिए हम लोग अभी पहाड़ के तरफ चढ़ेंगे तो यहाँ पर निशान दिया हुआ है। आप कहीं भी पहाड़ के तरफ चढ़िएगा तो इसी प्रकार निशान दिया हुआ रहेगा। और ये मेरा भाई साहब वीडियो के आगे आगे हमेशा चलने का इसको आदत है, देखिए भाई ये बहुत क्या बोलेंगे आप लोग को। चलिए भाई, और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोग को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पाम फल का काम में आना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को देखते रहिए, पूरा आपको साफ दिखाई देगा सब कुछ, हम आपको रियली दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो कटिंग करके या कुछ अच्छा दिखाने का कोशिश करेंगे, आपको कुछ अच्छा अच्छा कोशिश करेंगे जो दिखा सकें। और हम लोग अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, इधर ठंडा नहीं है, अभी तो इंडिया में हम लोग का जनवरी में बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ पर ठंडा नहीं है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, यहाँ गर्मी है, पूरा धूप देख सकते हैं, पूरा धूप है, बहुत गर्म है यहाँ पर। तो ऊपर जाके हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो देख सकते भाई, हम लोग बहुत पहाड़ चढ़ने के बाद फिर और एक निशान है, तो ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो अभी हम लोग और पहाड़ चढ़ेंगे, अभी और पहाड़ चढ़ने के बाद आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए कितना नीचे है गहराई, और ऊपर देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं बात करने के लिए, नीचे टावर ही नहीं रहता भाई। ऊपर जाएंगे उसके बाद आपको और दिखा रहे हैं हम लोग किधर रहते हैं। तो हम लोग बहुत ऊपर चढ़ गए हैं अभी पहाड़ के, और चढ़ने वाले हैं, ये देखिए अभी और ऊपर चढ़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग फाइनली अभी पहुंच चुके हैं अपना रूम जिधर बना है बात करने के लिए, तो अभी हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं भाई, देख सकते हैं ये पूरा फाइनल ऊपर आ गए हैं, देख सकते हैं नीचे कितना पहाड़ है। हम लोग ज़्यादा पहाड़ी इलाके में हैं भाई, ऐसा नहीं है मलेशिया में पूरा पहाड़ी है, आपको बराबर भी जगह मिलेगा समतल जगह।
फाइनली हम लोग जो पहाड़ के ऊपर घर बनाए हैं तो घर के पास आ चुके हैं। ये देखिए हम लोग ये बैठने के लिए बनाए हैं ऊपर, और ये बारिश के कारण ये रूम बनाए हैं। जो ये मेरा भाई जंगल भर के रखा था रूम में, क्या रे बोलो, जंगल घर में भर के रखता है क्या भाई? आग लगाने के लिए रखा था थोड़ा बहुत। क्यों आग लगाता है? मच्छर उच्छर है ना, इसीलिए मच्छर के लिए। ठंडा लगता है क्या? ठंडा तो नहीं लगता है, मच्छर के लिए, मच्छर बहुत है इधर। मच्छर है? हाँ या। चले भाई मेरा रूम का अंदर आपको दिखा देते हैं। और खटारा नहीं है भाई, ये देखिए बेडशीट लगा हुआ है पहाड़ के ऊपर। हम लोग दोनों बंदे ने ये रूम बनाया है, ठीक है। मेरा रूम का पीछे भी देख सकते हैं, पूरा जंगल है भाई, पूरा पीछे रूम का जंगल है। आपको पीछे साइड भी दिखा देता हूँ, देखिए ये और एक आपको रूम दिखाई दे रहा है पीछे, ये दूसरे बंदे का है, ये बांग्लादेशी बंदे का है। वो भाई लोग बैठते हैं बांग्लादेशी लोग। और ये देखिए यहाँ पर हर कंट्री का आदमी आता है भाई, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह का आदमी आता है यहाँ पर। तो मेरा रूम से आपको ये नज़ारा दिखाई देगा, बहुत सा खूबसूरत नज़ारा। सुबह सुबह का टाइम में आपको दिखा रहे हैं, अच्छा सा नज़ारा। देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा, वो देखिए पहाड़, ये वाला पहाड़, वो आगे भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। आप देखिए इधर भी बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। तो चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है, मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।